Welcome to Jurassic Park. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी जुरैसिक पार्क 1 को, जो 1993 में रिलीज हुई है। ये एक डायनासोर सर्वाइवल मूवी है दोस्तों। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं और आगे के पार्ट्स को मैं अपने आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, तो उन्हें देखना ना भूलिएगा क्योंकि वो सब पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है इस्ला न्यूब्लर से, जो कोस्टा रिका से कुछ मील दूर एक छोटा सा आइलैंड होता है। वहां हम जुरैसिक पार्क के वर्कर्स को एक बड़ा सा कंटेनर उतारता देखते हैं, जिसमें कोई अलग ही क्रिएचर होता है। अब उसे खोलने के प्रोसेस में वो क्रिएचर भागने की कोशिश करता है, जिससे वहां खौफ फैल जाता है और इसमें एक वर्कर की मौत हो जाती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है डोमिनियन रिपब्लिक के एक एम्बर माइन में, जहां हम जुरैसिक पार्क के ही कुछ वर्कर्स को वहां खुदाई करते हुए देखते हैं। और हमें पता चलता है कि उस वर्कर की मौत के बाद इस पार्क के इन्वेस्टर्स काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पार्क अनसेफ लगने लगता है। इसीलिए उन इन्वेस्टर्स का लॉयल डोनाल्ड डिमांड करता है कि कुछ एक्सपर्ट्स या ग्रुप इस पार्क को विजिट करके इसकी सेफ्टी सर्टिफाई करें, तभी इन्वेस्टर्स इस पार्क से सेटिस्फाई होंगे। अब वो बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहां से एक बड़े से एम्बर में एक प्रिजर्व्ड मॉस्किटो मिलता है। अब सीन शिफ्ट होता है और मोंटाना में हम एलन ग्रांट और एली सेटलर को देखते हैं, जिनकी टीम को एक डायनासोर का फॉसिल मिला होता है। और कंप्यूटर की मदद से उन्हें पता चलता है कि ये फॉसिल वेलोसिराप्टर का है, जो अपने दौर का एक शातिर शिकारी था। अब वो दोनों आराम करने के लिए अपनी वैन की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी वहां एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। अब उससे फॉसिल्स को नुकसान पहुंच सकता था, इसीलिए एलन उसे इंजन बंद करने का कहता है। फिर एलन जब अपनी वैन की तरफ जाता है तो वहां उसकी मुलाकात जॉन हैमंड से होती है और एलन उस पर बहुत गुस्सा करता है। फिर जॉन बताता है कि वही उन लोगों के इस काम को स्पॉन्सर्ड कर रहा है। फिर एलन एली को जॉन से मिलवाता है और जॉन उन्हें बताता है कि कोस्टा रिका से कुछ दूर उसका एक आइलैंड है, जहां उसने एक बायोलॉजिकल पार्क बनाया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाएगा। लेकिन मुझे उस पार्क को लेकर आपकी ओपिनियन चाहिए, जिससे हमें इस पार्क को गवर्नमेंट से पब्लिकली ओपन करने की परमिशन मिल जाए। जिस पर एलन कहता है कि हमने अभी अभी एक डायनासोर के फॉसिल को ढूंढा है और उसमें हम बहुत बिजी हैं। तो जॉन उन्हें अगले 3 सालों तक फुल स्पॉन्सर्ड करने का कहता है। ये सुनकर एलन हाँ कर देता है और वो दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। अब हम कोस्टा रिका के एक आयरन पर जुरैसिक पार्क के एक वर्कर डेनिस नेड्री को देखते हैं, जो लुइस डॉक्सन से मिलता है, जो जॉन हैमंड का राइवल था। वही नेड्री $1.5 मिलियन के बदले लैब से डायनासोर्स के एम्ब्रॉयस चुराने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम एक हेलीकॉप्टर में एलन, एली और जॉन के साथ लॉयर डोनाल्ड और डॉक्टर मैलकॉम को देखते हैं। और मैलकॉम को डोनाल्ड ने अपनी साइड से पार्क की सेफ्टी को चेक करने के लिए इनवाइट किया था। कुछ टाइम बाद वो सभी इस्ला न्यूब्लर आइलैंड पहुंच जाते हैं, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। अब वो लैंड करने के बाद अपना आगे का सफर जीप में तय करते हैं और कुछ ही टाइम बाद वो आइलैंड के एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक जीता जागता ब्रैशिसोरस था, जो कि बहुत ही ह्यूज था। और उसे देखने के बाद एलन और एली काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और तब जॉन कहता है वेलकम टू जुरैसिक पार्क। फिर ये लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जब ये वहां डायनासोर्स का पूरा झुंड देखते हैं। इसके बाद जॉन उन्हें अपने अम्यूजमेंट पार्क में ले जाता है, जिसे बनाने में उसने सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज किया था। अब वहां जॉन उन्हें एक वीडियो के जरिए समझाता है कि कैसे उन्होंने डायनासोर के डीएनए से उन्हें क्लोन किया। फिर वो देखते हैं कि 10 करोड़ साल पहले भी मच्छर होते थे, जैसे कि आज होते हैं, और उस वक्त भी वो जानवरों का खून चूसा करते थे। और हुआ यूं कि एक डायनासोर का खून चूसने के बाद एक मच्छर पेड़ पर जाके बैठ गया और उसके गोंद से चिपक गया। फिर सालों बीत गए और वो गोंद सख्त होके पत्थर बन गया। और खुदाई करने के बाद जब उन्हें वो मच्छर मिले, तो साइंटिस्ट ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से उन मच्छरों में से डायनासोर्स के डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और इसके डीएनए में जो कमियां थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने फ्रॉग्स के डीएनए का यूज किया और ऐसे सारे डायनासोर्स को क्लोन किया।
उस वीडियो को देखने के बाद वो सभी लैब में जाते हैं जहां वो वेलोसिराप्टर के बेबी को अंडे से निकलता हुआ देखते हैं। फिर वहां के एक साइंटिस्ट डॉक्टर वू बताता है कि हमने सभी डायनासोर्स के क्रोमोसोम्स को चेंज करके उन्हें फीमेल बना दिया है जिससे इनकी ब्रीडिंग को रोका जा सके, यानी कि कोई भी डायनासोर अपनी आबादी खुद नहीं बढ़ा सकता। इसके बाद जॉन इन्हें वेलोसिराप्टर के इंक्लोजर पर ले जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यहाँ वो रॉबर्ट मल्डून से मिलते हैं जो इस पार्क का वार्डन और रैप्टर्स एक्सपर्ट था। मल्डून उन्हें बताता है कि इस जगह टोटल 8 वेलोसी रैप्टर यानी रैप्टर्स थे, लेकिन एक बड़ी रैप्टर ने 2 को छोड़कर बाकी सबको मार दिया। फिर एलन के पूछने पर मल्डून बताता है कि ये बहुत चालाक और होशियार हैं और हर बार ये अलग तरीके से वार करते हैं। इसके बाद सभी लोग लंच करने चले जाते हैं जहां मैल्कम डायनासोर्स की क्लोनिंग के खिलाफ बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि डायनासोर्स का जब वक्त पूरा हुआ तो कुदरत ने खुद ही उन्हें फना कर दिया। और वहीं एली भी मैल्कम की बातों से सहमत थी क्योंकि वो लोग इन डायनासोर्स के बारे में इतना नहीं जानते। वहीं जॉन के स्पार्क से बस डोनाल्ड सहमत होता है क्योंकि इससे इन्वेस्टर्स बहुत पैसा जनरेट कर सकते हैं। तभी वहां जॉन से मिलने उनके ग्रैंड चिल्ड्रन लेक्स और टिम आ जाते हैं। इसके बाद जॉन उन सबको पार्क के टूर पर भेज देता है। फिर वो सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैठकर पार्क की सैर पर निकल जाते हैं और इन गाड़ियों को कंट्रोल रूम के अंदर से ही कंट्रोल किया जा रहा था जहां पर जॉन भी मौजूद था। अब जुरैसिक पार्क में वो सबसे पहले डायलोफोसोरस नाम के एक डायनासोर को देखने जाते हैं और वो सब उसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन वो इन सब के सामने आता ही नहीं। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और ट्राइनासोर यानी टी रेक्स के केज के पास आ जाते हैं, लेकिन वो भी बाहर नहीं आता। अब कंट्रोल रूम से वो उसको सामने लाने के लिए बकरी का चारा भी देते हैं, लेकिन फिर भी टी रेक्स बाहर नहीं आता, जिससे वो सभी उदास हो जाते हैं। अब वो आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी एलन को पार्क के पास कुछ दिखता है और वो लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक बीमार ट्राइसेराटॉप्स दिखता है और उसे देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। और वहाँ एक वेटरिनेरियन डॉक्टर हार्डिंग उसे एग्जामिन कर रहा होता है। फिर एली उस ट्राइसेराटॉप्स को एग्जामिन करने के लिए वेटरिनेरियन के साथ रुकती है और बाकी सब वापस गाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ पार्क के साइंटिस्ट को पता चलता है कि एक तूफान इसी आइलैंड की तरफ आ रहा है, इसीलिए वो पार्क के टूर को यहीं पर रोकने का डिसाइड करते हैं। और वीकेंड होता है तो वहां के वर्कर्स को भी वो शिप से घर भेज देते हैं और कुछ ही लोग वहां रुकते हैं जिसमें चीफ इंजीनियर रे आर्नोल्ड भी होता है। वहीं हम नेड्री को भी देखते हैं जो अपना एम्ब्रॉयज को चुराने का प्लान शुरू करता है और उस पार्क का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम शट डाउन कर देता है। और फिर वो एम्ब्रॉयज स्टोरेज रूम में आता है और एम्ब्रॉयज चुरा कर उन्हें एक कंटेनर में रखने लगता है जो डॉक्सन ने उसे दिया था। इसके बाद वो एक गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ वो लोग जब गाड़ी में बैठकर वापस आ रहे होते हैं तो नेड्री के सिस्टम शट डाउन करने की वजह से उनकी गाड़ियां बंद हो जाती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। और धीरे धीरे पार्क में लगे इलेक्ट्रिक फेंसेस का सिस्टम भी बंद होने लगता है। ये देखकर जॉन और उसकी टीम घबरा जाती है क्योंकि इससे डायनासोर्स अपने केज से आजाद हो सकते थे और तबाही मचा सकते थे। अब रे सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन नेड्री ने पूरे सिस्टम पर ही पासवर्ड लगा दिया था जिसकी वजह से रे कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं उन लोगों की गाड़ियां टी रेक्स के केज के बाहर बंद हुई थी। तभी लेक्स देखती है कि टी रेक्स के केज में जो बकरी थी एक टी रेक्स उसे खाने लगता है। ये देखकर डोनाल्ड डर जाता है और गाड़ी से भागकर वहां के एक टॉयलेट में छुप जाता है। अब इस गाड़ी में लेक्स और टिम अकेले होते हैं। तभी इलेक्ट्रिक फेंसिस की इलेक्ट्रिसिटी बंद होने से टी रेक्स अब उसे तोड़कर बाहर आ गया है। उसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। वहीं लेक्स को अपनी गाड़ी के टूल बॉक्स में एक टॉर्च मिलती है और वो उसे ऑन कर देती है, जिसे देखकर टीरेक्स उनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है और अगले ही पल वो उनकी गाड़ी को पलट देता है। अब एलन उनकी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी के टूल बॉक्स में रखे एक फ्लेयर जलाकर टीरेक्स का ध्यान अपनी तरफ करता है। टीरेक्स जब उसकी तरफ बढ़ता है तो वो फ्लेयर को जंगल की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी मैल्कम भी एक फ्लेयर जला देता है और एलन को बच्चों को निकालने का कहता है। अब फ्लेयर से टीरेक्स उसके पीछे पड़ जाता है। अब मैल्कम भी उस टॉयलेट में छुप जाता है, जिसके बाद टीरेक्स उस टॉयलेट को ही तोड़ देता है और मैल्कम वहां गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन अब डोनाल्ड टीरेक्स से बिल्कुल सामने था और वो उसे कच्चा चबा जाता है। वहां एलन गाड़ी से लेक को बाहर निकाल लेता है कि तभी वो बहुत जोर से चिल्लाती है क्योंकि टीरेक्स उसके बिल्कुल सामने था। वहीं एलन अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है क्योंकि हलचल होने पर टीरेक्स अटैक कर देता है। अब टीरेक्स गाड़ी को ढकेलने लगता है तो एलन लेक्स को लेकर एक केबल की मदद से उन कंक्रीट की दीवार से नीचे उतरते हैं और तभी टीरेक्स गाड़ी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। और अब वो गाड़ी सीधा एक पेड़ पर गिरकर अटक जाती है, जिसके अंदर टिम भी मौजूद होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली अब कंट्रोल रूम पहुंच चुकी है। अब जॉन उन सब के लिए काफी परेशान हो गया था, इसीलिए वो मल्डून को उन्हें लाने के लिए भेजता है और एली भी उसके साथ वहां पर जाती है। वाइनर्डी जब एम्ब्रॉयस को लेकर भाग रहा होता है तभी बारिश की वजह से उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी को वहां से निकालने के लिए केबल को एक पेड़ से बांध देता है, लेकिन तभी वहां डायलोफोसोरस स्पीशीज नाम का एक बेबी डायनासोर आ जाता है
और वो बेबी डायनासोर नेड्री के चेहरे पर अपनी पॉइजन को फेंकता है, जिसे नेड्री डर से चिल्लाने लगता है और गाड़ी में बैठकर भागने लगता है। लेकिन तभी वो बेबी डायनासोर वहां आकर उसे मार डालता है और नेड्री ने जिस कंटेनर में एम्ब्रॉयस को रखा था वो उसके पास से गिर जाता है और कीचड़ में धंस जाता है। दूसरी तरफ एलन और लेक्स केबल की मदद से नीचे उतर गए थे और टिम अभी भी गाड़ी में ही था, तो उसे बचाने के लिए एलन उस पेड़ पर चढ़ जाता है। टिम बहुत घबराया हुआ था। एलन उसे गाड़ी से निकालने के बाद उसे लेकर नीचे उतारने लगता है और तभी गाड़ी भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है, जिसके बाद वो दोनों काफी तेजी से नीचे उतरते हैं और तभी गाड़ी उनके ऊपर गिर जाती है, लेकिन उनको कोई चोट नहीं लगती। अब इन लोगों को ढूंढते हुए मल्टन और एली उस जगह पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि दूसरी गाड़ी गायब है। तभी उन्हें वहां मैलकॉम मिल जाता है जो जख्मी हो गया था। अब वो उसे गाड़ी में बिठा देते हैं और तभी उन्हें टीरेक्स के धाड़ने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं और तभी टीरेक्स उनका पीछा करने लगता है। वो उनकी गाड़ी पर भी अटैक करता है और तभी वो गाड़ी को फुल स्पीड से भगाते हैं, जिससे वो टीरेक्स से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। दूसरी तरफ हम एलन, लेक्स और टिम को देखते हैं और उन्हें भी टीरेक्स की धार सुनाई देती है, जिसके बाद वो तीनों वहां से एक बहुत बड़े पेड़ पर चढ़कर छुप जाते हैं। वहां से इन्हें दूसरी तरफ ब्रैशियोसॉरसेस दिखाई देते हैं और इस खूबसूरत नजारे को देखकर वो तीनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद वो तीनों उसी पेड़ के ऊपर रात गुजारते हैं। फिर सुबह होते ही वो तीनों नीचे आ जाते हैं। अब जंगल में कुछ दूर चलने के बाद एलन को एक पेड़ के नीचे किसी डायनासोर के फूटे हुए अंडे दिखाई देते हैं। ये देखकर एलन समझ जाता है कि ये डायनासोर्स ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो टिम कहता है कि जब सब डायनासोर्स फीमेल है तो वो ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं। इसके बाद एलन बताता है कि डायनासोर के डीएनए में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, जिसे पूरा करने के लिए इन लोगों ने फ्रॉग्स के डीएनए का यूज किया था और कुछ अफ्रीकन फ्रॉग्स में अपने जेंडर को चेंज करने की एबिलिटी होती है और यही एबिलिटी कुछ डायनासोर्स में भी आ गई है, जिसकी वजह से वो ब्रीडिंग कर रहे हैं। वहीं अब रे के पास सिस्टम को वापस सही करने का एक ही ऑप्शन बचा था और वो पूरे सिस्टम को रीबूट करना, लेकिन इससे पहले इन लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया था और डर था कि कहीं सिस्टम्स बंद ना हो जाएं। लेकिन जॉन के फोर्स करने पर रे ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पूरा सिस्टम अब ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा करने से मेन इलेक्ट्रिक ब्रेकर ऑफ हो जाता है, जिसे वापस ऑन करने के लिए रे मेंटेनेंस शेड की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ एलन, लेक्स और टिम चलते चलते एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें 11 माइनस डायनासोर्स का एक बड़ा सा झुंड दिखाई देता है जो उनकी तरफ ही आ रहा था। फिर ये तीनों भागकर एक सूखे हुए पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। फिर तभी वहां टीरेक्स आ जाता है और एक 11 माइनस को खा जाता है। ये देखकर तीनों वहां से छुपके से भाग जाते हैं। काफी वक्त इंतजार करने के बाद भी रे वापस नहीं आता, इसीलिए एली और मल्जॉन मेंटेनेंस शेड की तरफ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि पावर शटडाउन होने की वजह से बचे हुए इलेक्ट्रिक फेंसेस भी ऑफ हो चुके हैं और रैप्टर्स आजाद हो चुके हैं। मल्जॉन समझ जाता है कि उनके आसपास रैप्टर्स मौजूद हैं, इसीलिए वो एली को मेंटेनेंस शेड की तरफ भागने को कहता है। फिर एली जल्दी से शेड की तरफ भागती है और जॉन की गाइडेंस से वो इलेक्ट्रिक रूम तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ एलन देखता है कि फेंसेस का पावर ऑफ है, तो वो तीनों उस पर चढ़कर उसे पार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एली जॉन से मिलने वाली इंस्ट्रक्शन से पावर को ऑन कर देती है। फिर वो एक एक करके सभी इलेक्ट्रिक फेंसेस के पावर को ऑन कर देती है और तभी उस पर एक रैप्टर अटैक करने लगता है और वहां से भागते वक्त एली को रे का कटा हुआ हाथ मिलता है, यानी कि वो भी मारा जा चुका था। अब एली शेड से बाहर आ जाती है और रैप्टर को वहीं अंदर बंद कर देती है। वहीं मल्डून पर भी रैप्टर चालाकी से अटैक करके उसे मार डालते हैं। अब एलन बच्चों को लेकर विजिटर सेंटर पहुंच जाता है और फिर वो वाकियों को ढूंढने बाहर जाता है। यहाँ उसे एली मिल जाती है और वो दोनों एक दूसरे को जिंदा पाकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ विजिटर सेंटर में दो रैप्टर्स आ जाते हैं। फिर लेक्स और टिम किचन का दरवाजा बंद करके वहीं छुप जाते हैं, लेकिन रैप्टर्स किचन का दरवाजा खोल के अंदर चले आते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए लेक्स और टिम किचन में छुपने लगते हैं और जैसे तैसे करके वहां से निकल जाते हैं और बाहर उन्हें एलन और एली मिल जाते हैं। फिर वो भाग कर कंट्रोल रूम में चले आते हैं और इनका पीछा करते हुए वो रैप्टर्स यहाँ भी आ जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए एलन और एली उस दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और उनको अंदर आने से रोकते हैं। वहीं लेक्स को कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से आता था और वो पार्क के सभी सिस्टम को ऑनलाइन करने में लग जाती है और कुछ देर बाद वो सभी सिक्योरिटी सिस्टम को ऑनलाइन कर देती है, जिससे वो डोर भी लॉक हो जाता है। अब एलन जॉन को फोन करता है और बताता है कि दोनों बच्चे सेव हैं और वो जल्दी से यहाँ हेलीकॉप्टर मंगवाए। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रैप्टर विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है और उससे बचने के लिए वो लोग रूम की वेंटिलेशन वाली जगह से भागने लगते हैं और मेन हॉल में पहुंच जाते हैं। फिर वो एक डायनासोर के स्केलेटन पर चढ़कर नीचे उतरने लगते हैं कि तभी एक रैप्टर उन पर अटैक करने लगता है, जिससे वो स्केलेटन टूट जाता है और वो सब नीचे गिर जाते हैं। अब दोनों रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और वो अटैक करते तभी वहां टीरेक्स पहुंचकर एक रैप्टर को खा जाता है। ये देखकर दूसरा रैप्टर टीरेक्स पर अटैक करने लगता है और मौका मिलते ही वो लोग वहां से भागते हैं। तभी उन्हें बाहर जॉन मैल्कम के साथ एक गाड़ी में मिल जाता है और वो सभी वहां से निकल जाते हैं और अंदर टीरेक्स दूसरे रैप्टर को भी मार डालता है।
कुछ देर बाद वो लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां अब एलन भी जॉन को पार्क को बंद करने की सलाह देता है। अब जॉन अपने इस ड्रीम पार्क को पूरा ना होते हुए देखकर काफी उदास था, और वहीं टिम और लेक्स इस सफर से थक के सो जाते हैं, और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी जुरैसिक पार्क की एक्सप्लेनेशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।